गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। टुडे वी विल डू पेज नंबर 109 की इन योर मैथ्स बुक। फर्स्टली पेज 108, देखो इसमें क्या है। द फीस ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड इट्स डायल। जो क्लॉक का फीस होता है बेटा, वो क्या कहलाता है? डायल। ओके, आपने पेज नंबर 107 किया कल, इसमें आपने देखा कि वैन लॉन्ग हैंड इज ऑन 12 मार्क एंड शॉर्ट हैंड इज ऑन 3 मार्क। ठीक है, इट इज़ 3 o'clock। एंड वैन लॉन्ग हैंड इज ऑन 12 मार्क्स एंड शॉर्ट हैंड इज ऑन ऑल्सो 12 मार्क्स, इट इज़ 12 o'clock। ओके, इसी तरह 5 o'clock पर शॉर्ट हैंड है, 12 o'clock पर लॉन्ग हैंड है 5 o'clock। तो जिसमें लॉन्ग हैंड 12 पे आता है और शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे होता है, जैसे 7 पे है तो 7 o'clock, 8 पे है तो 8 o'clock। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे देखो हाफ पास्ट के बारे में। द फीस ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड इट्स डायल। डायल कहलाता है बेटा ये। ठीक, द डायल हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 मार्क्ड ऑन इट। इसमें 1 से 12 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। ओके, द लॉन्ग हैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मिनट हैंड। जो लॉन्ग हैंड होता है वो क्या कहलाता है? मिनट हैंड। एंड द शॉर्ट हैंड इज ऑल्सो कॉल्ड, शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड। ओके, शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट हैंड जो छोटा है वो आवर हैंड होता है और ये लॉन्ग हैंड मिनट हैंड। ओके, देखिए, लुक द आवर हैंड हैज जस्ट मूव्ड फ्रॉम मार्क 1 to mark 2। जब आपका शॉर्ट हैंड है ये 1 mark से 2 mark पे आ जाता है, ठीक है। एंड द मिनट हैंड हैज कंप्लीटेड 1 full round एंड इज एट 12। और जो मिनट हैंड है ये आपका, जब मान लीजिए यहाँ पे आप 2 पे है तो ये 3 पे आएगा, तब तक ये मिनट हैंड पूरा राउंड क्या कर लेगी? कंप्लीट करके फिर 12 पे आ जाएगी। ओके, तब 3 o'clock होंगे। ठीक है, देखो, इन वन आवर देयर आर 60 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। जब ये राउंड आपका वन से लेकर के वो पूरा यहाँ तक 12 तक कंप्लीट कर लेगी तो कितने हो गए? 60 मिनट। 60 मिनट में 1 आवर। और ये जो आवर हैंड है वो नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है। ठीक है, हम इसको 5 से करते हैं, 5, 10, ठीक है, 15, यहाँ पे 20, 25, ये 30, यहाँ पे क्या है? 30 नंबर। 5 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 5 12 60। ओके, यहाँ पे 35, 7 नंबर पे 35 मिनट आती है, 8 नंबर पे 40 मिनट, 9 नंबर पे 45 मिनट, 10 नंबर पे 50 मिनट, और ये 11 नंबर पे 55 मिनट, और 12 नंबर पे 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। 60 मिनट मीन्स 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, तो इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स। इसी तरह से नाउ द आवर हैंड इज बिटवीन मार्क 2 एंड मार्क 3। जब ये आपका आवर हैंड है, ये वाला आवर हैंड है, मार्क 2 और 3 के बीच में आ जाए। ओके, एंड द मिनट हैंड हैज़ कंप्लीटेड हाफ द राउंड एंड नाउ एट 6 एंड इज नाउ एट 6। जब आपका मिनट हैंड है, यहाँ से देखो 12 का हाफ क्या होता है? 6। जब आपका मिनट हैंड 12 से ले और फिर 1 से और 6 नंबर पे आ जाता है तो हाफ आवर हो जाता है। ठीक है, 30 मिनट। इन हाफ एन आवर देयर आर 30 मिनट्स। दिस इज कॉल्ड हाफ पास्ट 2 या 2:30। ओके, पेज नंबर 109, दिस इज अ क्लॉक। 3 और 4 के बीच में शॉर्ट हैंड है, ओके, आवर वाला हैंड है, और लॉन्ग हैंड आपका 6 पर है। देखिए टाइम, द लॉन्ग हैंड इज एट 6, ओके, द शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 3 and 4। द टाइम इज हाफ पास्ट थ्री या फिर 3:30। फिर हम 3:30 इस तरह 3:30 लिख सकते हैं या फिर हाफ पास्ट थ्री। ओके, नाउ टेल द टाइम इन दीज क्लॉक्स। इन क्लॉक्स में हमें टाइम लिखना है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में शॉर्ट हैंड है और लॉन्ग हैंड आपका मिनट वाला 6 पर है, तो 1:30 यानी कि 1:30। इसी तरह से आपका ये डायल क्लॉक, ये 1 और 6 और 7 के बीच में शॉर्ट हैंड है और लॉन्ग हैंड कहाँ है? 7 पर, तो 6 और 7 के बीच में है यानी कि 6:30। और इसको कैसे लिखेंगे? हाफ पास्ट सिक्स। ओके, नेक्स्ट,
देखो बेटा 12 और 1 के बीच में आपका शॉर्ट हैंड आवर वाला हैंड है और लॉन्ग हैंड है 6 पर, ठीक है। तो 12:30 टाइम कितना हो गया 12:30, जब ये पूरा राउंड ले लेगी यहाँ तक 12 पे आ जाएगी तो ये 1 o'clock हो जाएगा। ओके अब आपका टाइम है 12:30 यानी कि 12:30, ओके 12:30। इसी तरह नेक्स्ट इसमें देखिए 11 और 12 के बीच में शॉर्ट हैंड आवर वाला हैंड यानी कि 11 और यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ से और 6 नंबर पे आ गई ये लॉन्ग हैंड मिनट हैंड के यहाँ 11:30 5:30 के 12 में 60 मिनट होते हैं तो हाफ में कितने हो गए 30 11:30। इस तरह नेक्स्ट है आपका 8 और 9 के बीच में आपका शॉर्ट, पहले हम शॉर्ट हैंड देखेंगे 8 और 9 के बीच में यानी कि 8 o'clock हो चुके हैं, 8 से आगे आ गई, अब ये कहाँ पर आई है 6 पर यानी कि 8:30। अभी 9 o'clock हुए नहीं है, 9 o'clock होंगे जब ये आपका मिनट वाला हैंड 12 पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा और ये 9 की सीधे 9 के पास आ जाएगी, ठीक है। टाइम आपका 8:30 यानी कि 8:30। इसी तरह आपका ये वाला देखिए, ये आपका शॉर्ट हैंड है, ये लॉन्ग है, आपको दिखाई दे रहा है आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आवर हैंड किस नंबर पे है, ये 3 ये 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। 4 o'clock हो चुके हैं, उसके बाद आगे 4 o'clock के बाद ये 12:30 पे आ चुकी है यहाँ पे, ठीक। तो आपका 4:30 6 पे है तो 30 मिनट, 5 पे होगी तो 25, 4 पे होगी ये लॉन्ग हैंड तो 20, 6 पे है 30, 4:30 और यहाँ पे लिखेंगे नीचे वाले में 4:30। ओके वेरी गुड, सो कंप्लीट योर पेज, ये आपको 3 o'clock का अपने आप करेंगे बेटा। ओके थैंक यू।